हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास जेनशिन इम्पैक्ट में लॉगिन एरर आ रहा है, एरर कोड 31-4302, तो इस एरर को आप कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। सबसे पहले आपको इंटरनेट कनेक्शन चेक करना है, आपके पास पीसी में या फिर लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्शन ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं। आप एक बार इंटरनेट की स्पीड भी जो है चेक कर लीजिए। अगर आपके पास इंटरनेट ठीक से वर्क नहीं कर रहा है तो आप जो है विंडोज़ की सेटिंग में आइए, यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक कीजिए, सेटिंग ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है, फिर आपको यहाँ पर ट्रबल शूट के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर अदर ट्रबल शूटर के ऊपर क्लिक करना है, फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं इंटरनेट कनेक्शन, तो आप यहाँ पर रन के ऊपर क्लिक कीजिए और आप यहाँ पर देख सकते हैं डिटेक्टिंग प्रॉब्लम्स। तो ये प्रोसेस कम्प्लीट होने तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर इस सेटिंग को क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको जेनशिन इम्पैक्ट गेम को ओपन करना है पीसी में। अगर आप जो है यहाँ पर इसका लोकेशन चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर चेंज फाइल पाथ के ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आपके पास जो भी आपने ड्राइव में गेम को इंस्टॉल किया है वो ड्राइव में स्पेस कम है तो आप उसकी ड्राइव लोकेशन जो है यहाँ से ईजिली चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। तो अभी मैं यहाँ पर इसको चेंज नहीं करने वाला हूँ, आप चेंज कर सकते हैं ईजिली। उसके बाद आप यहाँ पर इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कीजिए, आपको गेम को और एक बार से इंस्टॉल करना पड़ता है। उसके बाद अब मैं यहाँ पर इस गेम को क्लोज कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों, अगर आप आपके पीसी में कोई भी VPN यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको डिसेबल कीजिए या फिर रिमूव कीजिए। आपको जो है VPN को डिसेबल करना है। उसके बाद आपको जो है विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू के ऊपर राइट क्लिक करना है, टास्क मैनेजर के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको जो है यहाँ पर, उसके बाद आपको यहाँ पर जेनशिन इम्पैक्ट गेम शो हो जाएगा, आप उसको सेलेक्ट कर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको एंड टास्क के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप इस सेटिंग को क्लोज कीजिए, फिर आप अपने पीसी को एक बार रीस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।